अपने आप में ये इम्पोर्टेंट टर्म है, असेसमेंट फॉर लर्निंग स्टूडेंट, जो आज हम देखने वाले हैं। छोटा सा डाउट है, इजी वे में आपका क्लियर हो जाएगा। एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ओके, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दोनों ही पार्ट को हम समझने वाले हैं। लेकिन असेसमेंट का मतलब अगर आप मूल्यांकन से लगा रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन होता है, वो अपने आप में एक अलग बात होती है। फिर भी इन दोनों के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो यहाँ मैं शॉर्ट वे में बता देती हूँ। इवैल्यूएशन में आपका हो जाता है विद्यार्थी में मूल्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया, कि ओवरऑल जो उनको सिखाना है, सिखाने की प्रक्रिया है, सिखाना चाहते हैं करिकुलम पाठ्यक्रम के माध्यम से, विद्यालय ले जाके, समाज से जोड़ के, शिक्षक के माध्यम से ज्ञान देकर, जो उनको अंदर मूल्य स्थापित करना है वो हुए या नहीं, दैट इज़ इवैल्यूएशन, अ बिग प्रोसेस, बिग थिंग, ओके। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया इवैल्यूएशन। यहाँ आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट, मुझे आपको बताना है असेसमेंट। तो फिर असेसमेंट इवैल्यूएशन के सामने एक उसका छोटा रूप है, ठीक है, छोटा हिस्सा है, छोटे रूप में जाना जाता है। असेसमेंट से मतलब हो जाता है उसके विद्यार्थी के पास बैठ के उसको ऑब्जर्व करना, उसके साथ रहकर उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये असेसमेंट हो गया। और इवैल्यूएशन एक बड़ा रूप हो जाता है, वैल्यूज़ को मार्क करना, बच्चे के अंदर वैल्यूज़ को स्थापित करना। तो अब जो टॉपिक है हमारा, जो मैंने बताना है आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इतना चक्कर चक्कर जो घूमते हैं स्टूडेंट क्लास रूम में बैठ कर, एग्ज़ाम रूम में बैठ कर, तब तो उस प्रक्रिया को दूर करने के लिए आज ये लेसन मैं बना रही हूँ स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले हमने असेसमेंट देख लिया, एक छोटा हिस्सा होता है विद्यार्थी के साथ रहना, उसके पास बैठना, ऑब्जर्व करना, आकलन करना उसका। असेसमेंट का हिंदी टर्म होता है आकलन। जब भी आप पढ़ें टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इन दोनों के, इन सब के हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें हिंदी में क्लियर नहीं होता, हम इंग्लिश टर्म से उसको करेक्ट लगा पाते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है दोनों टर्म जानना। इवैल्यूएशन मूल्यांकन हो गया। अब जो हमारा पहला आपका टॉपिक है आज का, जो ई क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, सीखने के लिए आकलन। देखो एक शब्द को हमको कैच करना है यहाँ पे, आपको ये दो शब्द बार बार हर जगह मिलेंगे, लर्निंग एंड असेसमेंट, है ना। हमारा आंसर करेक्ट किस टर्म से होगा, कि यहाँ फॉर लिखा है, कि यहाँ ऑफ लिखा है, कि यहाँ इन लिखा है, कि यहाँ एज लिखा है। जी हाँ, ये चारों हैं, और चारों का आज मैं मीनिंग आपको बताने वाली हूँ। असेसमेंट तो हमने जान लिया, बच्चे को असेस करना, उसका आकलन करना, है ना। आकलन क्या करेंगे आप, सिखा रहे हैं ना, हम टीचर हैं, हम उसको सिखा रहे हैं, तो उसका आकलन करेंगे। तो आकलन कब कब करेंगे आप, उसको एक लेसन टीच कर रहे हैं, विद्यार्थियों को, छात्रों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप एक चैप्टर टीच कर रहे हैं, और चैप्टर के दौरान आपने उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए, कुछ प्रश्न पूछे और उनको 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 जाना, कुछ कमियाँ भी पता चली, कमियाँ पता चली, वीकनेस पता चली, उसको हम निदानात्मक कहते हैं ना, निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक विधि, मतलब निदान करना, डायग्नोस हो गई उसकी प्रॉब्लम। अगर जब प्रॉब्लम पता चलती है उसको डायग्नोस्टिक कहते हैं, और उसका जब उपचार किया जाता है तो वो तो रिमेडियल टीचिंग होती है। तो हमारा एक तरह से असेसमेंट फॉर लर्निंग को डायग्नोस्टिक मेथड भी कहते हैं, इसको स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग को जानने के लिए, जैसे कि हमारी जो CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, ये जो NCERT के तहत चलाया जाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और इसके तहत भी NCERT की बुक्स होती हैं जो कई विद्यालयों में चलती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या हो जाता है कि क्या होता है, इन बुक्स के तहत FA के एग्ज़ाम होते हैं और SA के एग्ज़ाम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। FA के एग्ज़ाम होते हैं आपके साल में 4 बार, और SA के होते हैं साल में 2 बार, है ना, 2 times। तो FA और SA मिला के SA1 SA2 ऐसे होता है, FA1 FA2, फिर SA1 होता है, फिर FA3 FA4, फिर SA2 होता है। तो ये पूरे बच्चों का साल भर का असेसमेंट हो जाता है। दिल्ली में कई विद्यालयों में ये चलता भी है, प्राइवेट स्कूल में प्रोसेस। तो बच्चों, मैं स्टूडेंट्स आपको मैं फिर से बता दूं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम इस प्रोसेस पे आ जाते हैं कि फॉर उनके सीखने के लिए,
ठीक है ना, उनके सीखने के लिए उनका जो आकलन हम कर रहे हैं, यानी कि सीखने के लिए आकलन मतलब जब टीचर कुछ पढ़ा रहा है बच्चों को तो बीच बीच में प्रश्न पूछ लेगा उससे, है ना, और जब प्रश्न पूछेगा तो उससे बच्चों की कठिनाई का स्तर पता चलेगा, उनके समझने का स्तर पता चलेगा, है ना, और उसको वो दूर भी करेगा टीचर। तो ये असेसमेंट हो गया, क्लासरूम में कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है जो बड़े से एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद एंड ऑल दैट, नहीं, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए है ना, उनका आकलन कर रहे हैं कि वो सीख सकें, आकलन करेंगे तभी तो वो सीखेंगे और कठिनाइयाँ पता चलेंगी तो और ज़्यादा से सिखा पाएंगे। सीखने के लिए आकलन, इसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनके माध्यम से और अच्छे से जानेंगे हम। असेस स्टूडेंट्स प्रोसेस प्रोग्रेस एंड लर्निंग नीड्स, हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को असेस करते हैं, असेस का मतलब समझ लो आकलन करना, जानना, ऑब्जर्व करना उनकी लर्निंग में और क्या नीड है उनको, है ना, कठिनाई का स्तर है मतलब कुछ नीड है। स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं असेसमेंट प्रोसेस में, इस असेसमेंट प्रोसेस में स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लास रूम में पढ़ा रहा है टीचर तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज़ एसेंशियल इन क्रिएटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, इस प्रोसेस में असेसमेंट फॉर लर्निंग में डिस्क्रिप्टिव फीडबैक भी दिया जाता है। जब आप ऑफ लर्निंग सीखेंगे, इसके जस्ट बाद में डिस्क्राइब करूँगी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। टीचर एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, टीचर तो आकलन कर ही रहा है, स्टूडेंट भी मेहनत कर रहा है खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद के सीखने के इम्प्रूवमेंट के लिए कि हाँ वो सीख सकता है। कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है ये, टीचर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सही करेंगे, उसकी कठिनाई को दूर करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर उसको पूछेंगे, फिर पढ़ाएंगे, तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ध्यान रखना ये फॉर की बात चल रही है ना, फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, के लिए सीखना, देखो सीखने के लिए असेसमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन हो रहा है ना, उनको सिखाने के लिए लर्निंग। इंक्रीज लर्नर मोटिवेशन, और ऐसे क्या होगा, बच्चे के अंदर मोटिवेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, खुशी खुशी सीखेगा वो कि टीचर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं, करेक्ट करते हैं, नहीं आता है तो वो फिर से समझाते हैं और अच्छे से बताते हैं, तो यहाँ पर मोटिवेशन भी उनका इंक्रीज होता है। प्रोवाइड्स क्लियर लर्निंग टारगेट्स फॉर स्टूडेंट्स, उनको एक लर्निंग टारगेट्स भी क्लियर होता है कि इनको बच्चे को कैसे सिखाना है, इतना कंटेंट बताना है और उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको बार बार करेक्ट करते हैं। स्टूडेंट लर्न्स टू डिफरेंशिएट गुड वर्क फ्रॉम वीक वर्क, तो जब वो वीक होते हैं उससे उनको गुड बना दिया जाता है, तो उसके बीच में जो डिफरेंट होता है वो स्टूडेंट सीखते हैं कि अच्छा ये मेरे अंदर कमी थी, ये मुझे नहीं आता था, टीचर ने मुझे ये सिखा दिया, तो यहाँ उनको सिखाने के लिए ही तो आकलन कर रहे थे ना, आ गया ना फॉरवर्ड, उनको सिखाने के लिए तो उनका आकलन कर रहे थे, उनको आकलन करा सिखाने के लिए, देखा कमी है और सिखाया, है ना। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स असेस स्टूडेंट्स लर्निंग, और दोनों मिलके यहाँ स्टूडेंट खुद भी है ना वैसे है ना असेस करता है अपनी उसकी स्टूडेंट्स की लर्निंग को। तो ये हो गया आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक बात बता दें, जो फॉर लर्निंग है और जो ऑफ लर्निंग है उसमें टीचर असेस करता है, ओके, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग में टीचर असेस करता है। अच्छा, तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर साथ में रखना है हमको, फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, असेसमेंट, इसमें देखो कीवर्ड हमको क्या पकड़ना है, इसमें दैट इज़ फॉर, FOR, इसके असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी बीच में फॉर लिखा है और यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट से ये वर्ड हमारा शुरू है। ट्रिक लगा के तो पढ़ाना ही है मुझको ना, बिना ट्रिक के अपन बढ़ते नहीं आगे, तो ये ट्रिक पकड़ ली हमने। अब एग्ज़ाम में ऐसे आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में कौन किसकी प्रक्रिया होती है, क्या होता है, तो टीचर प्रतिभाग करता है और प्रकरण पढ़ाने के दौरान स्टूडेंट से प्रश्न पूछता है, करेक्ट करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इसीलिए इसको कहते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वीकनेस डायग्नोस हो जाती है पढ़ाते समय, पूछा नहीं पता, जब बता पाया स्टूडेंट तो कमजोरी पता चल गई। निदान में क्या होता है, निदानात्मक में कमजोरी पता चलती है, उपचारात्मक में उसका उपचार किया जाता है। तो अब क्या होता है कि इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, वो इसी टाइप से होते हैं पता लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए उनका आकलन कर रहे थे, पाठ पढ़ाया, पैराग्राफ पढ़ाया, प्रश्न पूछे,
वीकनेस पता चली, कोई बच्चे बता पाए कोई नहीं बता पाए आंसर, जो नहीं बता पाए तो उनकी जो वीकनेस है वो पता चली तो उसको करेक्ट किया गया, सुधारा गया निदान करके, है ना, निदान भी किया गया, तुरंत रिमेडी भी दे दी गई और उसको सही कर दिया गया। तो उनको सिखाने के लिए जो पाठ पढ़ा रहे हैं, कंटेंट सिखाने के लिए उनका आकलन चल रहा था। अब वो जो सिखा दिया, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने वो पाठ पढ़ा दिया, असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्रोसेस यूज़ कर करके सिखा दिया, उनको पाठ पढ़ा दिया, इसी तरह बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए बच्चे ने, तो उन सारे चैप्टर्स में उसने जो सीखा, है ना, जो सीखा, जो अधिगम किया, उसका आकलन अब यहाँ होगा ऑल ओवर का, है ना। ये आकलन भी टीचर के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आकलन भी शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। जो भी सीखा गया लर्निंग, जो भी सीख है, जो भी अधिगम है, जो भी फुल पैकेज है, एक पैकेज उसने बच्चे ने सीख लिया ज्ञान डेली स्कूल जा जाके, ठीक है, तो उसका अब असेसमेंट होगा कि कैसा ज्ञान उसने सीखा। ओके, फिर से बता दूं मैं इसमें क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इसको आपको, इसमें आपको ऑफ वर्ड को कैच करना है, का यानी कि सीखने का आकलन, अब जो सीखा ऑल ओवर उसका हम आकलन करेंगे कैसे, इसको हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, SUMMATIVE। ओके, समेटिव असेसमेंट ये होता है, समेटिव नहीं, सम यानी कि योग यानी जोड़ना, सब सारे चैप्टर जोड़ लिए गए जो सीखे, सम उन सब का सम, उसको एक बार में असेस करना, दैट इज समेटिव असेसमेंट। मैं बता दूं आपको, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में होते हैं, वो वर्ष में 4 बार होते हैं, बच्चों के टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट का नाम है उनके, पढ़ाएंगे आप जब टीचर बन जाएंगे तो पता, आपको अभी से जान लेना जरूरी है कि क्या है ये, ठीक है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं, बच्चों के जो टेस्ट होते हैं उनका नाम होता है, बच्चों के FA1 आ गए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, तो FA1 एग्ज़ाम है, FA1 FA2, उसके बाद होता है SA1 यानी कि समेटिव, ये वाला जोड़, टोटल जोड़, अब बताओ ऑल ओवर टोटल इन्होंने क्या पढ़ा, ठीक है, तो समेटिव 1 होगा, फिर FA3 होगा, FA4 होगा, फिर SA2 होगा, उनका फाइनल रिजल्ट रेडी, ठीक है बच्चों का। तो अब जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ यानी उस पूरे लर्निंग का असेसमेंट अब होगा, सम टोटल होने वाला है। अब इसमें क्या होता है, जब टीचर पूरी संकल्पना का, फुल संकल्पना का जो पूरा उनको पढ़ाना है उसका, उसको टीच कर देते हैं, टोटल सब पढ़ा दिया उन्होंने, फिर एंड में एक असेस करते हैं, एंड में एक आकलन करते हैं, और इसे अधिगम का आकलन कहते हैं, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, इंग्लिश में इसे समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, योग यानी कि सम, है ना, तो योगात्मक आकलन भी कहलाता है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। चलिए, जो पॉइंट लिखे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं हम एनालिसिस करते हुए। असेस व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न्ड फाइनली, कि उसको उसने क्या लर्न किया, ठीक है। स्टूडेंट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द असेसमेंट प्रोसेस, यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, FA में होता है, है ना, फॉर लर्निंग में होता है, उसी से वहीं पूछा उसने आंसर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें उनका एग्जाम टाइप से लिया जाता है एक बड़े लेवल पे, है ना, क्योंकि जो सारे बच्चे हैं भाई 40 की स्ट्रेंथ होती है क्लास की, तो कुछ तो हमको फ़िल्टर करना है ना, किसने क्या सीखा, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन एवरेज है, कौन बिलो है, है ना, तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होता है इस असेसमेंट में, ये टीचर करता है ये असेसमेंट, स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम देते हैं। क्लैरिफाई स्टूडेंट्स कॉम्पिटियंस, उनकी कितनी कॉम्पिटियंसी है ये क्लियर हो जाती है, क्षमता पता चल जाती है, भाई बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं सामने, किसका कितना मार्क्स है, कौन एवरेज में है, कौन बिलो एवरेज है, कौन अबव एवरेज है, कौन टॉपर है, तो इनकी कॉम्पिटियंसी, उनकी क्षमता पता चल जाती है। में इंक्रीज और डिक्रीज लर्नर्स मोटिवेशन, उनका मोटिवेशन कम और ज़्यादा हो सकता है कि भाई हमारे मार्क्स कम क्यों आए, हमारे ज़्यादा क्यों आए हैं, इस तरह से। एंड प्रमोट्स रैंकिंग और सॉर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चे पास या फेल डिसाइड भी इसी से होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से, कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, ये ऑफ लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है, ध्यान रखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे माइंड से निकलेगा नहीं आपका फिर, है ना, तो इससे हमारा ये डिसाइड होता है कि बच्चे पास हुए या फेल हुए हैं। रिवील स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनका लेवल क्या है वो क्लियर होता है यहाँ से। लेस एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग,
आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने पर लेस एम्फोसिस, क्योंकि अभी तो वो पूरा ऑल ओवर सिखाने के बाद ये लिया गया है ना, तो अभी इम्प्रूव करने का चांस फिर उनको बाद में मिलेगा, एकदम से नहीं, है ना। एम्फोसाइज अकाउंटेबिलिटी टू मीट स्टैंडर्ड, उनका एक स्टैंडर्ड्स है, उसके पीछे उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर भी जोर दिया जाता है। एंड टीचर असेस स्टूडेंट्स लर्निंग, यहाँ भी टीचर जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करते हैं। ये पॉइंट इसलिए लिख दिया गया, क्वेश्चन आते हैं कि ऑफ लर्निंग में कौन असेस कर रहा है, टीचर असेस कर रहा है या स्टूडेंट्स का भी इसमें कोई प्रतिक्रिया होगी, स्टूडेंट्स की नहीं होगी, टीचर असेस करता है। फॉर लर्निंग में भी टीचर असेस करता है एंड ऑफ लर्निंग में भी, सीखने के लिए अधिगम और सीखने, है ना, आकलन के लिए, अधिगम का आकलन कह लो या अधिगम के लिए आकलन। तो जब सीखने के लिए आकलन होता है, सीखने के लिए असेसमेंट होता है, वो भी टीचर करता है, के लिए यानी कि फॉर, और जब सीखने का आकलन होता है, भाई क्या सीखा टोटल बताइए, वो भी टीचर ही करता है। ये दोनों क्लियर हो गए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग, वो दोनों हमने सीख ली। कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट्स में प्लीज़ पूछिएगा, और कैसा लगा ये लेसन वो भी बताइएगा। एज अब आएगा असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन, और असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है। फिर से मैं आपके सामने चारों टर्म बता देती हूँ, कौन कौन सी आपकी टर्म है, देखिए ये देखिए, ठीक है, ये तीनों टर्म एक साथ हमको दिख रही हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी हमने ये वाला देख लिया है, फॉर लर्निंग क्या होता है, ऑफ लर्निंग क्या होता है, अब हम देखेंगे एज लर्निंग, और एक और आएगा असेसमेंट इन लर्निंग। इन लर्निंग ये चार कॉन्सेप्ट होते हैं, एग्जाम में 100% क्वेश्चन से जरूर आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर सिलेबस में है तो, ठीक है। तो अब असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है देख लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट असेसमेंट एज लर्निंग, इसका हिंदी टर्म हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में। अभी तो क्या था कि पहले फॉर लर्निंग में टीचर पढ़ा रहे हैं कंटेंट, प्रश्न पूछा, कठिनाई आई, सही करा, आगे बढ़ाए, फिर पूछा, फिर सही किया, बच्चा बता दे स्मूथली तो ठीक है, नहीं तो सही करेक्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो तो फॉर लर्निंग हो गया। एंड ऑफ लर्निंग क्या था, जब पूरा कंटेंट सिखा दिया ऑल ओवर, तब उसका एक टेस्ट ले लिया, उसने सीखा क्या, उसका आकलन, है ना, असेसमेंट ऑफ आकलन। अब ये है एज लर्निंग, है ना, सीखने के रूप में आकलन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है ना, ये छात्रों के द्वारा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, इसमें स्टूडेंट्स के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान इसको किया जाता है। कैसे, एक तो जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो इस प्रोसेस को छात्र, इस असेसमेंट को छात्र खुद करते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब वो सीखने के लिए, एज का मतलब है के रूप में, यानी कि सीखने लर्निंग है ना, सीखने के रूप में असेसमेंट, खुद सीख भी रहे हैं और असेसमेंट भी कर रहे हैं, खुद को आकलन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई मूर्ति को नहीं पढ़ा रहा है टीचर, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनका खुद के अंदर भी तो दिल दिमाग बुद्धि सब है ना, तो वो भी तो सीख पाएंगे ना, खुद को करेक्ट कर पाएंगे, खुद की गलती जान पाएंगे, ये वो चीज़ है। यानी कि सीखने के रूप में आकलन, सीख भी रहे हैं और उसी प्रोसेस में वो अपने आप का आकलन भी कर रहे हैं, सही गलत पाने पर उसे सही भी कर रहे हैं, और आगे करेक्ट सीखते हुए और आगे वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। उनका असेसमेंट कैसे हो रहा है, लर्निंग के रूप में हो रहा है, कि वो लर्निंग सीख भी रहे हैं और उनका खुद का असेसमेंट भी कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये स्टूडेंट करते हैं, ये असेसमेंट छात्रों के द्वारा किया जाता है, पहली बात कि छात्रों के द्वारा किया जाता है, स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। नंबर टू इज सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, सीखने की प्रक्रिया जब क्लास चल रही है उस दौरान वो खुद ही जो कंटेंट समझ रहे हैं तो उनको और भी कुछ क्लियर होता है, अच्छा मैंने तो ऐसा सोचा था, ये ऐसा है, ये करेक्ट है, ओके, तो वो खुद से सीख रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान ये आकलन बच्चों के द्वारा किया जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग, है ना, इसको छात्र खुद से करते हैं और अपने ही सीखने के लेवल को बढ़ाते हैं, अपने लर्निंग लेवल को वो बढ़ाने के लिए इस आकलन को करते हैं, कि इस बार ऐसे सीख पाए तो अगली बार और अच्छे से जल्दी से ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा असेसमेंट एज लर्निंग। इसकी प्रोसेस क्या होती है, मान लो छात्र ने कंटेंट को पढ़ा, है ना, पहले उसने उसको पढ़ा समझा, फिर उसने सोचा उसके बारे में,
थिंक किया, कुछ गलती पाई गई तो उसे उसने सुधारा, सुधारा तो सीखा ना, असेसमेंट हुआ, आकलन किया उसने, आकलन किया, सोचा, सुधारा, तो ये विद्यार्थी ने किया खुद के लिए, है ना। ये प्रोसेस होती है असेसमेंट एज लर्निंग। अब जो इसके बाद आ जाता है जो होता है, इसको अगर हम एज को हटा दें, चलो इसकी टिप्स पढ़ा देती हूँ मैं आपको पहले, इसमें क्या लिखा है असेसमेंट एज लर्निंग में, असेस स्टूडेंट्स कॉग्निशन अबाउट देयर लर्निंग। स्टूडेंट की जो कॉग्निशन है, समझने की जो क्षमता है खुद की लर्निंग के बारे में, कि हम कैसे सीख रहे हैं, खुद से जान लेते हैं वो। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मॉनिटरिंग एंड असेसिंग देयर लर्निंग। खुद से एक्टिव होते हैं वो, मॉनिटर करते हैं अपने आप को, मॉनिटरिंग करते हैं, असेस करते हैं खुद की लर्निंग को। ओके, टीचर शो स्टूडेंट्स हाउ टू डू सेल्फ असेसमेंट। टीचर उनकी सिर्फ हेल्प करता है कि कैसे खुद को सेल्फ असेस कर सकते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन आए तो टीचर करते हैं नहीं, छात्र करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। टीचर्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी सोचना, विचार करना। तो बच्चे, टीचर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी कि वो सोचें, खुद को मॉनिटर करें, खुद को जानें। ऐसा भी तो प्रोसेस होता ना कि टीचर, अच्छा बताओ तुमको क्या लगता है, तुम सही हो, तुम ऐसे हो, ऐसे प्रश्न जोड़ के पूछना है, तो वो हो जाता है रिफ्लेक्शन। वो खुद से जानते हैं, उनको ऐसा पढ़ाना कि बच्चा खुद से ही क्लैरिटी में आ जाए। कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है इसमें, बच्चे को इन्वॉल्व करा तो 100% कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगी, कोई इसमें और टाइप, इसमें कोई और डाउट ही नहीं है। टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स इन सेटिंग लर्निंग गोल्स। स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, यहाँ पे टीचर की भूमिका फैसिलिटेटर की है, यहाँ पर टीचर का रोल नहीं है, बार बार कह दूँ, छात्र के लिए है। स्टूडेंट असेस देयर ओन लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो खुद की लर्निंग को खुद से असेस करते हैं और इम्प्रूव भी करते हैं। इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड मोटिवेशन, तो उनकी लर्निंग और मोटिवेशन भी इम्प्रूव होता है। तो उसके बाद इसके जैसा एक और होता है, ओके, एज में, एज में एस आता है, देखो एस, एस दिख रहा है ना, एज में एस, तो ये होता है एस, यानी स्टूडेंट कर रहे हैं इसको, बस ऐसे समझ लो ट्रिक। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक और टर्म होता है हमारे सामने, उसको हम कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। बिल्कुल सेम टू सेम असेसमेंट एज लर्निंग जैसा ही होता है, कि छात्र ने पढ़ा, फिर सोचा और खुद को सुधारा। छात्र खुद करते हैं इस प्रोसेस को, इन वाले की बता रही हूँ मैं, है ना। इसमें क्या होता है कि ये छात्र खुद से करते हैं, सीखने की प्रक्रिया के दौरान इसको किया जाता है। लेकिन एज लर्निंग में क्या होता है ना, एक प्रोसेस चलती है, उसने कंटेंट को पढ़ा, जाना, एरो बना देंगे, फिर सोचा एक के बाद, फिर उसको समझा, है ना, और ऐसे प्रोसेस आगे चली। ये है अपना कौन सा, ठीक है, ये प्रोसेस है अपना असेसमेंट एज लर्निंग में, एक प्रोसेस चल रही है, अब ये किया, अब ये किया, अब ये किया। लेकिन असेसमेंट इन लर्निंग में, ठीक है, पढ़ना, सोचना, सुधारना, आकलन हो गया उसका खुद के द्वारा, ये हो गया एज लर्निंग, ये प्रोसेस है एज लर्निंग में। लेकिन इन लर्निंग में क्या होता है, इन लर्निंग में क्या होता है, ये चारों प्रोसेस एक साथ मर्ज मिक्स्ड होती हैं और तुरंत हो जाती हैं। एक के बाद एक प्रोसेस नहीं चल रही और बच्चे को एकदम प्रोसेस टू प्रोसेस वो जान रहा है, जो एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी समझ लो इन लर्निंग मतलब सीखने में ही। ये भी छात्रों के द्वारा किया जाता है, पढ़ते ही पढ़ते छात्र इसमें खुद में सुधार कर लेता है एक ही टाइम, उसी टाइम। ये नहीं कि पढ़ा, फिर सोच रहे, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा था, फिर समझा, फिर अप्लाई किया, जाना, आकलन किया, नहीं। इन लर्निंग में क्या होता है, पढ़ने के पढ़ते पढ़ते ही जब बच्चा पढ़ रहा है उसी में ही उसका सुधार हो जाता है। इसमें पढ़ना, सोचना, सुधारना, ये सब एक साथ होता है। जो यहाँ पे प्रोसेस चल रही थी, यहाँ भी ये सब एक साथ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स आज हमने जो कवर किए हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग। सीखने के लिए ना अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, और अधिगम में आकलन में, है ना। ध्यान रखिएगा टर्म, और इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म दोनों के माध्यम से समझिए। आई होप कि ये लेसन आपकी बिग बिग हेल्प करने वाला है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह कनेक्टेड रहिए, इस लेसन को ज़रूर से शेयर कीजिए, और आपका इस लेसन को देखने के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।